press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Karan to is duplicate Sunny Deol and direction is very good. And वो क्या कहते हैं करण इतना decent और इतना अच्छा लग रहा है कि like I enjoyed the movie. First half was very good, not good, very good. Like mountain scenery and so nice he was looking. It was very nice. But थोड़ा interval के बाद थोड़ा नीचे. But direction is very very good. सनी देओल ने direct किया है फिल्म को. तो पूरा सनी देओल ही लग रहा है वो तो. And वो fathers का love भी दिख रहा है कि the way he has acted. इसे हर चीज की बारीकी उन्होंने देखी है ना सनी देओल. एंड ही इज द कार्बन कॉपी ऑफ सनी देओल. फिल्म के नाम के अकॉर्डिंग उसकी स्टोरी कैसे पल पल दिल के पास. वो नाम थोड़ा मैच थोड़ा कम हो रहा है, कम हो रहा है. बट सहर इज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. क्या सॉन्ग्स? ओके, एक्शन वाज ओके, बट फर्स्ट हाफ वाज वेरी गुड. I would to give 7. No, no, not 7 out of 5. Yeah. 4. Thank you. Some movie. The best acting was the actor Karan. His cuteness is awesome in the movie. And by the way, the Zeher was also too good in the movie. And the best song was of the movie Pal Pal Dil Ke Paas. The girl sang at the Manali while doing the camping. Awesome movie. New entry of the hero and heroine both. Awesome director was too good, but Sunny Deol was best director. Matlab, we can say it was perfect movie. Not one time, but you can watch it many times. Awesome song. Best song was Pal Pal Dil Ke Paas. While they're camping, full tour of the camp. It was too catchy, but in the movie. 5. Film awesome thing. Karan Deol is awesome and ditto like Sunny Deol. बांधे नहीं लगी क्योंकि लव स्टोरी है. फिर ऐसा बीच बीच में जो बोर होता है बोरनेस कभी आया नहीं फिल्म में. और उसमें फिल्म में बीच में एक एक्शन सीक्वेंस है करण देओल का. इट्स लाइक डुप्लीकेट ऑफ सनी देओल. एंड उसमें एक शाउट करता हो जैसे सनी देओल अपने पिक्चर में शाउट करते थे. सेम साउंड एंड सेम वॉल्यूम साउंड 100% क्योंकि कट्स एंड ऑल दैट सनी देओल के जैसी है पूरे. मूवी तो धमाकेदार होने वाली है. मूवी का याद नहीं पर करण देओल धमाकेदार जरूर होने वाले बॉलीवुड में. गाने कैसे लगे आपको? गाने अच्छे. 4.5. थैंक यू. ऑसम मूवी. एक्शन एंड ड्रामा. सनी देओल का एक बहुत बढ़िया डायरेक्शन था और स्पेशली जो करण देओल की एक्शन थी वो सेम सनी देओल जैसे था. पुरानी यादें ताज़ा हो गई. अपन गदर बोल सकते. मतलब फाइटिंग बहुत अच्छी थी. गाने पल पल दिल के पास वॉज ऑसम सॉन्ग. 4.5. थैंक यू. कैसे लगी फिल्म आपको? मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी. मैंने इस फिल्म में एक्ट किया है. मैंने शनाया का रोल प्ले किया है जो सहर बाम्बा की कज़न सिस्टर है फ्रॉम कनाडा. तो मुझे तो फिल्म बहुत ही बढ़िया लग रही है. इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी. सब लोगों को बहुत पसंद आएगी. लोगों के क्या क्या रिएक्शन मिले आपको? बहुत ही अच्छा. एब्सोल्युटली मैं लोगों का रिएक्शन देख रही थी. सो दे वर एंजॉयिंग, दे वर लाफिंग, दे वर लविंग द सॉन्ग्स एंड दे वर कनेक्टिंग विद द स्टोरी. तो बहुत ही इमोशन है, एक्शन है, ड्रामा है, लव स्टोरी है. तो सारे लोग इंजॉय कर रहे थे. अभी बाहर आके कुछ इंटरेक्शन हुई लोगों के साथ? अभी हाँ, मैंने कुछ लोगों से बात करी तो सबको बहुत ही इंजॉयबल लगी मूवी. एंड दे रियली लाइक इट. एंड सहर और करण की परफॉर्मेंस इज वेरी नाइस. आपको किस तरह से लगा टोटल ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें तो शूट का? शूट का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था बिकॉज इट वॉज सच लाइक अ फैमिली काइंड ऑफ एटमोसफेयर. और सनी सर बहुत ही काम रहते हैं बट ही इज सुपर फोकस्ड. ही नोज व्हाट ही वांट्स. तो उनकी डायरेक्शन, उनसे डायरेक्ट होना मतलब एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था. लोगों ने कहा कि हमें करण में सनी की झलक दिखी है. आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? एब्सोल्युटली, जब आप एक्शन सीन्स देखेंगे और उनकी सॉफ्टनेस जो सनी सर की यूएसपी है वो दोनों का बहुत ही अच्छा बैलेंस है उन करण के अंदर. और आपको बिल्कुल सनी सर दिखेंगे बहुत बार. अच्छा, कुछ लोगों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? Absolutely, I would say just enjoy the film. It's all about innocence and love, and I think you should just really feel
the softness and the love of your family when you watch this film. Thank you so much. Thank you. Thanks. फिल्म अच्छी लगी. मतलब इंटरवल तक तो आप सोच भी नहीं सकते कि हिंदुस्तान में इतनी खूबसूरती है. ऐसे लगता है कि खाली फॉरेन में ही खूबसूरती होती है. जो पहाड़ दिखाए गए हैं, जो फोटोग्राफी ली गई है, इट्स ब्यूटीफुल डन देयर. इट्स अ गुड जॉब. और सोचोगे कि आप प्यार लव स्टोरी है, लव स्टोरी आपको इंटर तो पता ही नहीं चलती. लव स्टोरी जो होती है बाद में इंटर के बाद उनको महसूस होता है. करण देओल एज अ सनी देओल किस तरह से लगे? मतलब सनी देओल की झलक दिखी इसमें? हाँ, दिखी. लगता है कि जैसे सनी देओल की पहली पिक्चर शायद बेताब आई थी ना, मतलब वो झलक दिखी थोड़ी. ऐसे सनी ने डायरेक्ट किया है, किस तरह से डायरेक्ट? नहीं, अच्छी एक्टिंग, बहुत अच्छी डायरेक्टिंग की है. ऐसे बोल नहीं सकते कि आप सनी देओल डायरेक्शन नहीं कर सकते. अच्छी एक डायरेक्शन किया. गाने कैसे लगे? गाने भी अच्छे हैं, म्यूजिक भी अच्छी है, सबकी एक्टिंग भी अच्छी है. अच्छी लगी मुझे मूवी. क्या अच्छी लगी फिल्म? फिल्म में मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि डायरेक्शन काफ़ी अच्छा था. फर्स्ट हाफ में मुझे जो लोकेशन था, जैसे मनाली का लोकेशन लिया हुआ, तो काफ़ी अच्छी सिनेमाटोग्राफी थी मूवी की. सनी देओल का जो एक्चुअल पार्ट होता है, सेकेंड हाफ में जो फाइटिंग सीक्वेंसेस काफ़ी अच्छे हैं. बाद में मूवी में एक अच्छा है, मतलब एक काफ़ी अच्छा फील आता है, फैमिली मूवी टाइप लगती है, बहुत अच्छी लगी मुझे. काफ़ी लोग सनी देओल से कंपेयर कर रहे थे, तो मूवी में कितनी झलक दिखी है इसकी? बोल सकते हैं कि फाइटिंग सीक्वेंस में जैसे सनी देओल को देख के लगता है एकदम एंग्री यंग मैन टाइप, वैसा फील आता है एकदम उनको देख के. मूवी की याद दिलाती है सनी देओल की? वैसे तो मैं काफ़ी सीन की मुझे थोड़ी गदर की याद आती है मूवी सेकेंड हाफ. क्या सीन था मूवी के अंदर जब वो जो गदर की जो याद दिलाती? गदर में मतलब फाइटिंग सीक्वेंस ट्रेन का सीन आता मुझे याद, तो मतलब ऐसा आवाज़ चिल्लाने के हिसाब से, मतलब वो आवाज़ एकदम सिमिलर लगी मुझे. सॉन्ग्स अच्छे थे मूवी, काफ़ी मुझे काफ़ी अच्छी लगे. एक्टिंग दोनों एक्टर्स की अच्छी है. था डेब्यूटेंट तो बहुत अच्छा एक्टिंग किया है और अच्छी होगी आगे जाके. रोमांस काफ़ी दिखाया है, मतलब बोल सकते हैं कि दो तीन गाने बेस्ट है उसके ऊपर, तो मतलब काफ़ी है. मतलब वो भी अच्छा था. क्या आपको अच्छा नहीं लगा? क्या अच्छा लगा कि मूवी थोड़ी लंबी होगी सेकंड हाफ में, बस क्योंकि इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि सेकंड हाफ मूवी इतना खींचेगा, लेकिन वो खींचा मूवी तो करके फिर. अच्छा, मार्क्स देना चाहोगे तो कितना? 5 में कितना? 5 में 3.5.